दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। इसने कैसा परफॉर्म किया है और किन किन सेक्टर में इन्वेस्टेड है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी फंड है, यानी इस फंड का सारा पैसा 75 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें से 3% लार्ज कैप में, 24.4% मिड कैप में और 72.5% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। और स्मॉल कैप की बात करें तो दोस्तों, वैसी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 251 से नीचे होता है। अब दोस्तों, सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में 20%, कैपिटल गुड्स में करीब 20% के आसपास, केमिकल्स में 11.6% और भी कई सारे सेक्टर्स एलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों फोकस उसी सेक्टर्स पे करना है जिसमें इस फंड का मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टेड है, और उस पर आपको रिसर्च करना है कि इस सेक्टर में आने वाले समय में कैसा ग्रोथ होगा, और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको टॉप 10 उन कंपनियों के लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें इस फंड का कितना परसेंट एसेट्स है, आप यहां पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम लोग इस फंड की कुछ बेसिक बातें भी जान लें। तो दोस्तों, 24 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ था, और फंड साइज की बात करें तो 8572 करोड़ का है, और लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स है, यानी आप जब चाहे इस फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं। और रिस्क की बात करें तो स्मॉल कैप फंड्स होने की वजह से रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.9% एक्सपेंस रेशियो है जो आपसे अर्ली चार्ज किया जाता है। अब एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। दोस्तों, अब चलिए हम लोग देख लें कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो पिछले एक सालों की बात करें तो इसने -1.91% से नीचे गया है। वहीं इसके इंडेक्स निफ्टी 50 की बात करें तो -4.55% से नीचे गया है। तो दोस्तों, यह अपने इंडेक्स से काफ़ी कम नीचे गया है, और वहीं पिछले दो सालों की बात करें तो इसने अपने बेंचमार्क से तब भी ज़्यादा दिया है, और वहीं पाँच सालों की बात करें तो 5 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से डबल रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, यह हमेशा ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है और काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए फंड अच्छा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए